मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभांसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्चक्रपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक संख्या 8 हमारे साथ साथ बोलिए। दूरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषम् ग्रहेषु ससक्तस्य प्रमत्त स्यापयाति हि। दूरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि। शब्दार्थ, दूरापूरेण जो कभी पूरा नहीं होता, कामेन भौतिक जगत को भोगने की प्रबल इच्छा से, मोहेन मोह से, च भी बलीयसा जो बलिष्ठ तथा दुर्जेय है, शेषम जीवन के बचे हुए वर्ष, ग्रहेशु गृहस्थ जीवन में, सक्तस्य अत्यधिक आसक्त का, प्रमत्तस्य पागल का, अपयाति व्यर्थ बिता देता है ही निसंदेह। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिसके मन तथा इंद्रियां वश में नहीं है, वह अतृप्त कामेक्षाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिकाधिक आसक्त होता है। ऐसा पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि वह इन वर्षों में भी अपने को भक्ति में नहीं लगा पाता। तात्पर्य, यही जीवन के 100 वर्षों का लेखा जोखा है। यद्यपि इस युग में सामान्यतः 100 वर्ष की आयु संभव नहीं है, फिर भी यदि किसी को इतनी आयु मिल भी जाए
तो गणना के अनुसार 50 वर्ष सोने में व्यर्थ जाते हैं, 20 वर्ष बचपन तथा किशोरावस्था में और 20 वर्ष सशक्तता जरा व्याधि में निकल जाते हैं। इस तरह केवल कुछ ही वर्ष बचे रहते हैं, लेकिन ये वर्ष भी गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने से ईश चेतना के बिना ही व्यर्थ बीत जाते हैं। अतएव मनुष्य को जीवन के प्रारंभिक काल में पूर्ण ब्रह्मचारी बनने, फिर यदि वह गृहस्थ बनता है तो विधि विधानों का पालन करते हुए इंद्रिय निग्रह में सिद्ध बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करके वन जाना चाहिए और तब संन्यास ले लेना चाहिए। यही जीवन की पूर्णता है। जो लोग जीवन के प्रारंभ से ही अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, उन्हें केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है, जैसा कि हम पाश्चात्य देशों में देख चुके हैं। इस प्रकार 100 वर्ष की पूरी आयु व्यर्थ और दुरुपयोग में जाती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य दूसरे शरीर में देहांतरण करता है तो यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य का ही शरीर मिले। 100 वर्ष के अंत में जो व्यक्ति तपस्यामय जीवन में मनुष्य की ही तरह कर्म कर नहीं करता मनुष्य की तरह कर्म नहीं करता रहता, वह कूकर सूकर या बिल्लियों के शरीर को पुनः धारण करता है। अतएव कामेक्षाओं तथा इंद्रिय तृप्ति का यह जीवन अत्यंत विपदाग्रस्त होता है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरु मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाम्बितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए, जिसके मन तथा इंद्रियां वश में नहीं है वह अतृप्त कामेक्षाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिकाधिक आसक्त होता जाता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि वह इन वर्षों में भी अपने को भक्ति में नहीं लगा पाता। तो ये प्रसंग चल रहा है, प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं किनको, अपने सहपाठियों को। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष की आयु में भगवान का भजन कर रहे हैं और कितनी गंभीरता से कर रहे हैं ये हम लोग देख सकते हैं। और वो दिखावटी भजन नहीं करते कि वो माला कर रहे हों, वो और बहुत कुछ कर रहे हों, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उनके मानसिक विचार बिल्कुल क्लियर हैं। और वही क्लियरिटी वो अपने साथ के जो मित्र हैं उनको दे रहे हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप कौन थे, उनके पिता थे। और कैसे पिता थे, राजा थे, और साधारण राजा नहीं थे, कितने बड़े राजा थे पता है आपको। इस संसार में तो कोई अगर थोड़ा लखनऊ की रियासत का राजा हो तो हम उसको बहुत धनवान मानते हैं। अरे लखनऊ की रियासत यानी लखनऊ की ज़्यादातर ज़मीनें उनकी हैं, है ना। लेकिन क्या आपने कोई पूरे प्रदेश का एक राजा हो, उस पूरी प्रदेश की भूमि उसकी हो, ऐसा सुना है? और अगर होगा तो बड़ा राजा होगा कि नहीं होगा? और अगर पूरे देश की भूमि उसकी हो तो कितना बड़ा होगा?
और पूरी पृथ्वी उसकी हो तो कितना बड़ा होगा। और पृथ्वी छोड़ो, ब्रह्मा जी से ऊपर के लोग और नीचे के लोग उसके हो तब कितना बड़ा राज्य होगा। वो राज्य था किसका? हिरण्यकश्यपु का। और उनके पुत्र कौन है? प्रहलाद। यानी वो उसके क्या है? होने वाले उत्तराधिकारी हैं। कितना बड़ा भोग मिलेगा आप विचार करो, कितना बड़ा भोग मिलेगा उसको, अपने पिता की सारी संपत्ति मिलने वाली है। और कितनी संपत्ति? यानी इतना भोग मिलने वाला है। और वो पिता क्या बोलते हैं कि जाओ हमारे बेटे को पूरा इकोनॉमिक सिखाओ, क्योंकि इसको सब संभालना है, इतना बड़ा साम्राज्य संभालना है। तो इसको क्या समझाओ? अर्थशास्त्र समझाओ इसको, और इसको भौतिक शिक्षा दो, इसको फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब सिखाओ, जिससे ये अच्छे से पूरा राजपाट कर सके। और ये जिम्मेदारी देते हैं किसको? संड और अमरक को। और वो ले जाते हैं उनको स्कूल में, और स्कूल में क्या सिखाते हैं? ये सांसारिक शिक्षा, अर्थशास्त्र फिजिक्स केमिस्ट्री संसार के विषय। लेकिन प्रहलाद महाराज को वो कोई विषय समझ नहीं आते, बल्कि उनको जैसे ही मौका मिलता है वो समझाने लगते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, ये राज्य प्राप्त करना नहीं है, संसार के भोग प्राप्त करना नहीं है। तो वो बड़े तर्क के साथ समझाते हैं, और वो तर्क ऐसे हैं कि उस 5 साल के बच्चे की शिक्षाएं बड़े बड़े परमहंस मनन करते हैं। 5 साल विचार करो जरा, क्या प्रहलाद महाराज की चेतना रही होगी? 5 साल की बालक कुछ बोल रहा है, क्या विचार है उसके, क्या चिंतन है? और उसके चिंतन को महाप्रभु बहुत प्रधानता देते थे। महाप्रभु 100 बार चरित्र सुने प्रहलाद का, महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु को प्रहलाद का जीवन चरित्र बहुत पसंद आता था, बार बार उसको सुनते थे, बार बार श्रवण करते थे। तो प्रहलाद क्या ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या बताते हैं? 8 श्लोक हैं। इससे पहले जो 8वां श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कहां से शुरू हुई इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यावस्था से ही अन्य सारे कार्य छोड़ दे, भक्ति कार्यों का अभ्यास इन मानव जीवन का उपयोग में करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? सत्य को जानने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए। और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी कैसा है? अर्थपूर्ण है। अरे इंद्री तृप्ति तो कुत्ता बिल्ली भी करते हैं, वो भी खाते पीते हैं, और अगर मनुष्य बन गए हम भी यही इंद्री तृप्ति करते रहेंगे तो फिर ये बेकार चला जाएगा। क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है, यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और दूसरे श्लोक में बोलते हैं, यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है ना, यह मनुष्य जीवन किस लिए है? लेकिन हम में से कितने लोग सोचते हैं कि मनुष्य जीवन भगवत धाम के लिए? हम क्या सोचते हैं? पैसा कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, विवाह करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, संसार में थोड़ी प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए। हम में से कोई सोचता है कि मनुष्य जीवन भगवान धाम जाने के लिए? ये जगत रहने योग्य नहीं है, अभी नहीं ऐसा हो रहा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी समझ में आएगा। कल देखो बता रहे थे ना वो, उनकी उम्र कितनी थी, क्या कह रहे थे? उनके ही बेटों ने उनको किनारे कर दिया, मानते नहीं है बात। और किसी और को क्या देखें, हम अपने को देख ले, हम लोग कितनी बात मान पाते हैं। और आप, अगर आपकी स्थिति है तो कल आप विवाह करोगे, उनके बच्चे होंगे, उनका क्या स्थिति होगा? वो क्या आपकी बड़ी सेवा करेंगे? प्रत्येक जीव को विशेष रूप से उसे मनुष्य जीवन मिला है, भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय आत्मा के स्वामी और अन्य जीवों के शुभचिंतक हैं।
प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख मिलता है। आप में से कोई दुख पाना चाहता है? दुख के लिए कोई मेहनत करता है? कोई दुख के लिए मंदिर जाकर के प्रार्थना करता है? तो दुख मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जब दुख मिलता है तो क्या सुख नहीं मिलेगा? बोले नहीं, सुख के लिए तो PhD करनी पड़ेगी, सुख के लिए तो हमें IIT करना पड़ेगा, सुख के लिए तो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करके गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, सुख के लिए तो जब तक ये सब नहीं होगा तो सब कैसे होगा? नहीं, जो सुख तुम्हें मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा। और बड़े अनुभव के साथ बोल रहा हूं, जो मिलना है वो मिलेगा, कोई नहीं बदल सकता है। जो दुख मिलना है वो भी मिलेगा और जो सुख मिलना है वो भी मिलेगा। तुम कुछ नहीं करोगे तब भी तुम्हें सुख मिलेगा ही मिलेगा जो तुम्हें मिलना है। और अगर न विश्वास हो तो अपने जीवन में आजमा के देख लेना। और जो तुम्हें दुख मिलना है वो भी तुम्हें मिलेगा, चाहे तुम पूरे जीवन कठोर संघर्ष करो कि मेरे जीवन में दुख ना आए, लेकिन रोक पाओगे? तो जैसे तुम दुख नहीं रोक पाओगे वैसे ही तुम सुख भी नहीं रोक पाओगे, वो भी आएगा। और एक चीज बताएं, तुम्हारे ज्यादा चाहने से नहीं आएगा। हम लोग कई बार सोचते हैं जितनी मेहनत करेंगे उतना मजा मिलेगा, क्योंकि जब मेहनत करोगे तो सफल होगे तो पैसा आएगा तो मजा करेंगे। यही संसार की सोच है, लगता है कि नहीं लगता? कितने लोगों को लगता है कि नहीं, अगर हम खूब मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम सफल नहीं होंगे? लगता है ना, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम सफल नहीं होंगे, तो हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा और हम जीवन भर क्या रहेंगे, दुखी रहेंगे? नहीं, दे रहा हूं उदाहरण, हम आपको उदाहरण के साथ बताते हैं। अभी एक भक्त है, अभी आने वाला है, आपके बीच का है, इसलिए आपके बीच की बात होती है ना तो आप ज्यादा रिलेट कर पाते हो। इस संजय अग्रवाल प्रभु है, ठीक है, जो कि आप ही के साथ सत्संग में आते थे, ठीक है, और वो अपनी परचूनी की दुकान करते थे, उनकी अच्छी दुकान चलती थी, उससे अपना भरण पोषण करते थे। सत्संग में आए, सिद्धांतों को सुना, सत्य समझ आया और बोले प्रभु जी मुझे भगवान की सेवा करनी है, अब ये नौकरी नहीं करनी है, अब मुझे अपना व्यवसाय नहीं करना है, विवाह भी नहीं करना है। तो मैंने कहा नहीं, सोच लो, इतनी जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। और ज़्यादा समय नहीं हुआ, कितने समय में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने 5 महीने, बस 5 महीने ध्यान से सुना, लेकिन ध्यान से सुनता था, बहुत ध्यान से सुनता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम बार बार कहते हैं हम लोग ध्यान से सुनते ही नहीं है, और सुनते हैं तो उस पर मनन नहीं करते। वो ध्यान से सुनता था और ध्यान से उस पर मनन करता था कि बात जो बोल रहे हैं प्रभु जी सही है कि गलत है, तो उसको मुझसे बाद में आकर के शेयर करता था, प्रभु जी ऐसा है क्या है। तो मैंने उसे मना किया, मैंने नहीं देखो ऐसी जल्दबाजी में डिसीजन मत करो, क्योंकि उसके माता पिता भी, कोई माता पिता चाहेंगे कि उसका दुकान बंद हो जाए और लड़का विवाह कर रहा हो, विवाह छोड़ के और भगवान का भजन करने चला जाए, कोई परमिशन देगा? कोई नहीं देगा, ठीक है। बेटा शराब पिए, उसकी परमिशन है, बेटा लड़की घुमाए, परमिशन है, लेकिन बेटा भजन करे, परमिशन नहीं। ये संसार में माता पिता की गलती नहीं है, ये वातावरण ऐसा हो गया है। क्यों? क्योंकि तुम शराब पियोगे तो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के लोग तुम्हारे मम्मी पापा को बोलने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका भी पी रहा है, तो इसलिए वो तुमको, तुम्हारे मम्मी पापा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो क्या कहेगा, ठीक है नॉर्मल, आजकल तो नॉर्मल बच्चे करते ही हैं। अगर तुम लड़की घुमाओगे तो कोई तो है मम्मी पापा से शिकायत नहीं करे, अरे सब उसके बच्चे घुमा रहे हैं तो तुम भी घुमा रहे हो तो क्या कर रहे हो। लेकिन अगर तुम भक्त बन गए, साधु बन गए, तो क्या बोलेंगे, अरे बाबा बन गया, ये क्या हो गया, जीवन खराब कर लिया उसने, क्या कर रहा तुम्हारा बच्चा। तो माता पिता को क्या बोलते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं, बोलते नहीं, और उनको भी लगता है, बोले ये क्या मेरे बच्चे ने पाप कर दिया।
लेकिन वास्तविकता क्या है, कोई माता पिता परमिशन नहीं देता। हालांकि कोई तो बात नहीं कहेंगे, लेकिन अधिकतर, क्योंकि मैं खुद जानता हूं ऐसे कई माता पिता को जिन्होंने बड़े गर्व के साथ आए और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को भगवान की सेवा में लगा दो, क्योंकि बड़े भाग्य हैं कि मेरे बच्चे के मन में ऐसा भाव तो आया कि वो इंद्रिय तृप्ति छोड़ करके, संसार के भोगों को छोड़ के भगवान की सेवा करना चाहता है। ऐसे भी ढेरों माता पिता, तो उनके माता पिता की इच्छा नहीं थी, तो हमसे बोले अभिषेक संजय प्रभु कि प्रभु जी क्या करें। तो मैंने कहा देखो माता पिता को लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, लेकिन उनकी इतनी सेवा करो कि वो तुम्हारी बात मान जाए। कई बार हम अलग कुल में अलग परंपरा में शादी करते हैं तो माता पिता नहीं स्वीकार करते, लेकिन बाद में स्वीकार कर लेते कि नहीं कर लेते। तो मैंने कहा आज तुम अगर भक्त बनोगे तो उन्हें आज स्वीकार नहीं होगा, लेकिन जब तुम बन जाओगे तो फिर उन्हें, फिर वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और उनको अच्छा भी लगेगा कि मेरा बच्चा कोई चोर डाकू नहीं बना है, वो क्या बना है, भक्त बना। लेकिन अभी परेशान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनके अड़ोस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार सब क्या कहेंगे, अरे तुम्हारा बेटा बाबा हो गया, तुम्हारा बाबा हो गया, बाबा हो गया। उन्हें पता ही नहीं है क्या जीवन है, क्या है, पता ही नहीं, तो इसलिए वो डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन तुमको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसने बहुत सिंसियर था, उसने क्या किया, बंद कर दी दुकान और फाइनली हमारे पास आ गया, बोले प्रभु जी अब हम चाहते हैं फुल टाइम भगवान की सेवा करेंगे पूरी एनर्जी के साथ। तो हमने कहा ठीक है, तुमको हम भेजते हैं कुछ दिन के लिए भक्तों का संग करने के लिए, जाओ ट्रेनिंग लेकर के आओ और वापस आओ। तो वो दिल्ली गया और मुझे जब मैंने उसको भेजा तो मुझे वहाँ के भक्तों ने बताया कि इसकी उम्र ज़्यादा है, ये अभी इतनी सेवा कर नहीं पाएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि वो इस जटिल प्रोसेस से निकल पाए। जटिल प्रोसेस का मतलब मॉर्निंग 3 बजे उठ के साधना करना, शाम को 10 बजे सो जाना, स्वाध्याय करना, सेवा करना। तो मैंने कहा नहीं, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है वो सिंसियर है, आप उसको भेज दो। तो भेज दिया, अभी 1 साल से प्रॉपर सारी सेवा करके और वो अभी जन्माष्टमी को पूरा करके अभी वापस आ रहे हैं और आप लोगों का संग करेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे। तो फुल टाइम भगवान की सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया। अब मैं आपको बताता हूं कि उसने इस प्रोसेस में क्या किया। वो मुझे बोला कि प्रभु जी मैं पूरे जिंदगी दुकान किया, सब मजे लिए, लेकिन मुझे पूरी जिंदगी में इतना आनंद नहीं आया जितना आनंद मैं अब ले रहा हूं। ये उसका रियलाइजेशन है। क्योंकि एक बात ध्यान रखो, कोई व्यक्ति किसी को मार करके बांध करके रख सकता है क्या? वो तभी रहेगा जब उसको स्वयं में आनंद आएगा, स्वयं उसको अच्छा लगेगा, वरना कोई किसी की नहीं सुनता है। जब तक उसको स्वयं में संतुष्टि नहीं है, स्वयं में सुख नहीं मिल रहा है, स्वयं में आनंद नहीं मिल रहा है, तब तक वो कर नहीं पाएगा। लेकिन स्वयं में आनंद मिलता कब है और किसे मिलता है? आनंद उसे मिलता है जो व्यक्ति ईमानदारी से श्रवण करता है, ध्यान से सुनता है, समझता है क्या है, उसका जीवन बदलता है। तो यहां चर्चा चल रही है कि इसी तरह से ये संसार में हम लोग, सुख आएगा ही आएगा। ये बात मैंने इसलिए बताई आपको कि अब बताओ, दुकान बंद हो गई, इनकम बंद हो गई, विवाह का संकल्प भी छूट गया और व्यक्ति क्या बोल रहा है, मुझे इतना आनंद नहीं आया, बिना पैसे के, 1 रुपया नहीं है उसके पास, 1 रुपया नहीं है। और आज लखनऊ से गए लगभग 1.5 साल 2 साल होने वाले हैं, ना घर से 1 रुपया लेकर के गया, ना मैंने उसे 1 रुपया दिया, लेकिन मैंने उसे वो भावना दे दी, वो व्यवस्था प्रभुपाद जी की कृपा से दे दी कि वो अभी तक पूरे जीवन में इतने तीर्थ नहीं जा पाया था जितने तीर्थ वो दर्शन करके आया। और जितना उसे पूरे जीवन अच्छा प्रसाद नहीं मिला, उतना उसने 1.5 साल में पा लिया। कई बार
हम लोगों को दो सब्जियां और दाल चावल सूखी सब्जी सलाद और चटनी मिलना मुश्किल होता है। कितने लोगों को मिलता है? कुछ लोग तो हफ्ते भर का फ्रिज में रखा हुआ खाते रहते हैं। लेकिन मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी इनकम 2-2 लाख रुपए है और उनको ताजी और स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता है सुबह शाम। इससे क्या पता चलता है? पैसा किसी को सुखी नहीं कर सकता। और वो व्यक्ति को मैं बोल रहा हूं 1.5 साल से 2 साल से 1 रुपया है ही नहीं। अभी वो जब ब्रह्मचारी बन गया, भगवान को समर्पित जीवन किया, तो उसको पैसा कहां से मिलेगा? पैसा तो है नहीं उसके पास। लेकिन वो क्या कर रहा है? सारी जगह तीर्थ घूम के आया। सुबह शाम टाइम से ठीक 9-9:30 बजे प्रसाद मिलता है, शाम को 5 बजे मिलता है। और वो क्या बोल रहा है कि जीवन में जितना आनंद मुझे अब मिल रहा है उतना आनंद अभी तक नहीं मिला। तो ये बात मैं केवल इसलिए आपको एहसास, ये विश्वास दिलाने के लिए ये बात हम कर रहे थे कि जो सुख तुम्हें मिलना है वो तुम्हें मिलेगा ही मिले, पैसा हो चाहे नहीं। अभी उसके पास कौन सा पैसा है? दुकान भी बंद कर, जब दुकान खुली थी तब उसको मजा नहीं मिला, तब उसने दर्शन नहीं किए पाए, घूम नहीं पाया, दर्शन नहीं कर पाया, केवल घर से बाहर लगा रहा उसी में। और अभी निकला है तो क्या कर रहा है? तीर्थ यात्रा कर रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, प्रचार कर रहा है और गंभीरता पूर्वक भगवान की भक्ति कर रहा है, तो इसको फील कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो सुख मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा और जो दुख मिलना है वो भी मिलेगा ही मिलेगा। और आगे बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु कितनी है? 100 वर्ष है। और अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता जो व्यक्ति, उसकी आधी आयु किसमें निकल जाती है? सोने में। और आधे वर्ष सोने में निकल जाते हैं, अतएव ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष ही रह जाती है। फिर 7वें श्लोक बोलते हैं, मनुष्य अपने बाल्यकाल की सुकोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है। आपके मनुष्य जीवन के 10 वर्ष निकले कब पता चला आपको? क्योंकि 10 साल आपने किसमें बिता दिए? खेल कूद मजा करने में, पता ही नहीं चले 10 साल कैसे निकल गए। इस प्रकार किशोरावस्था में वह अगले 10 वर्ष बिता देता है। और किशोरावस्था में कॉलेज स्कूल जिसमें आप हो इसमें भी 10 वर्ष बीत गए, 20 साल के हैं ना ज्यादातर लोग, तो 20 साल कैसे निकले पता चले? जब आपने जन्म लिया उसके बाद से 20 साल आपके जीवन से निकल चुके हैं। इस प्रकार से 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। व्यर्थ गए कि नहीं गए? कितने लोगों को एहसास होता है, ये फील होता है कि मेरे 20 साल चले गए? भाई आप मनुष्य शरीर में पैदा हुए और 20 साल आपने गंवा दिए किसमें? मटरगस्ती करने में, खेलने में, कूदने में, अपने कॉलेज में। इसी तरह वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता तो उसके 20 वर्ष निकल जाते हैं। और जब बूढ़े हो गए तो बुढ़ापे के भी 20 साल कैसे निकलते हैं? मान लो आजकल उम्र कितनी चल रही है, 100 साल तक जीते हैं लोग, 60 मान लेते हैं, 70 मान लेते हैं, 80 मान लेते हैं, 80 मान लो, 80 अच्छा लगता है, ज्यादा कम मत मानो। तो 80 साल में 20 साल तो तुम निकाल चुके हो किसमें? खेलने कूदने मजा करने में, ठीक, 1 से 20 तक के। और 60 से 80 तक के कैसे बीतेंगे? खांसते हुए, आप एक बेड पर पड़े होंगे, किसी की कमर टूट चुकी होगी, किसी को पैरालिसिस हो गया होगा, किसी को ऐसी स्थिति होगी कि वो चल फिर नहीं पाएगा, ढेरों लोग आप देखते हो, रोज घटनाएं देखते हो। तो 60 से 80 साल जब 20 साल निकलेंगे किसमें? वृद्धावस्था में। अब बचे कितने? 40 साल। 40 साल में 20 साल सोने में निकल जाएंगे, निकलेंगे कि नहीं? भाई रात सोओगे, दिन में आप जगोगे, तो 20 साल सोने में निकल गए। अब बचे कितने? 20 साल। 20 साल में कमाई में कितने निकलेंगे? कम से कम 10 साल।
आधा समय तो लोग कमाई देते हैं, कमाई में निकाल देते हैं, ठीक, 10 साल कमाई में निकल गए, अब कितने बचे? 10 साल। प्रजल्पा में कुछ समय निकलता है कि नहीं निकलता? निकलता है। वो उसमें कितना निकलेगा अंदाजा? 5 साल। बल्कि देखा जाए ईमानदारी से 200 साल प्रजल्पा ही में निकलने वाले हैं। हम लोग व्यर्थ की बातें ही बहुत करते हैं, सही बात सत्संग की बात नहीं करेंगे। जैसे अभी चर्चा हो रही है, इस बात की चर्चा कोई नहीं करेगा अपने से, और चर्चा करेगा अच्छा चलो क्या हुआ और क्या करेंगे, कैसा है वहाँ, ये है वो है, इधर उधर इधर उधर की बात करेंगे, जो विषय है उस पर अपने को फोकस नहीं करेंगे। तो ऐसे क्या निकल जाएगा? पूरा मनुष्य जीवन निकल जाएगा, और मरने के बाद फिर क्या होगा? आप शरीर से अलग हो गए, अब माताजी है वहां आपकी, पिताजी हैं, भाई है, बहन है, कोई है, कौन है? बस आप हो, और आपका हिसाब है कि आप होगे और आपका हिसाब होगा, और एक एक का हिसाब होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हिसाब से ही तो डिसाइड किया जाएगा कि अब इसको कुत्ते के शरीर में भेजा जाए, बिल्ली के शरीर में, या बंदर के शरीर में, या देवता के शरीर में, या मनुष्य के शरीर में, है ना? और उस हिसाब में क्या निकले, क्या डिसाइड किया जाएगा, क्या लगता है आप? क्योंकि 100 साल आपने अपने 80 साल कैसे निकाल दिए? यू कई बार हमको क्या लगता है, ये ज्यादा बुद्धिमान है क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करी है, और बहुत मेहनत करके इन्होंने 4 मकान बनाए हैं और 10 प्लॉट खरीदे हैं, और इनके पास 100 बीघा जमीन भी खरीदी है इन्होंने। तो आप लोग उसे बुद्धिमान मानते हो कि नहीं मानते हो, बताओ? आपका मौसी का लड़का या भाई ऐसा करे तो पूरे रिश्तेदार दुआई देते कि नहीं देते? देखो उसे, देखो जरा, अभी तुम्हारी उम्र कही है और 20 साल में उसने देखो क्या क्या कर लिया, ठीक है, 50 साल में क्या क्या कर लिया, बोलते कि नहीं बोलते? और आप क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल सही बात है, सच में कितना कुछ किया है। लेकिन जरा विचार करो, वो मरेगा कि नहीं मरेगा? और मरने के बाद वो सब जाएगा उसके साथ? तो उसने जो जीवन का अमूल्य समय था वो उसने किसे में गंवा दिया? 4 मकान, 10 प्लॉट और 100 बीघा जमीन खरीदने में, और वो सब का सब यहीं छोड़ करके चला गया। 7 क्या ले गया? कर्म। और उस कर्म से अब उसका क्या हो रहा है? हिसाब हो रहा है, और उस हिसाब के कारण उसको क्या बना दिया गया? कुत्ता, बिल्ली, बैल। और तुमने इतनी मेहनत से कोठी बनाई थी, इतनी मेहनत से बंगला बनाया था, अब तुम कुत्ता बन गए, और तुम्हें याद है कि ये कोठी तुमने ही बनाई है, और बारिश हो रही है, तुम बारिश में भींग रहे हो, तो दौड़ करके सा अधिकार तुम उछल करके अपने गार्डन में, क्योंकि गेट तो बंद होगा तुम्हारे लिए, तुम उछल करके कूद गए अपने घर में, तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें क्या करेंगे? डंडा मार के भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे? तो क्या मेहनत का फल रहा? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस पर विचार करता है, जो मूर्ख है वो नहीं सोचता, वो सोचता अरे क्या फालतू की बातें कर रहे हो, ये इधर उधर की बात मत करो, कुछ तरक्की वाली बात करो, प्रोग्रेसिव बात करो। और प्रोग्रेसिव क्या है? बोले कैसे ज्यादा ज्यादा धन कमाया जाए, कैसे ज्यादा ज्यादा बड़ी बिल्डिंग बनाई जाए, और बिल्डिंग में कितने दिन रहोगे? 10-20 साल। गारंटी? मैं कल बता रहा था ना, सत्य ये है कि हम कभी भी मर सकते हैं, या सत्य ये है कि अभी तो 20 साल हैं? ये सत्य समझ में आता है? ये सत्य है, ये समझ में आ गया है? ये समझते ही नहीं है। जिस दिन इतनी सी बात समझ में आ जाएगी ना, एक एक काम बहुत सोच समझ के करोगे, हमको ये सोच ही नहीं पाते।
ये दिमाग में ही नहीं रहता 1% कि हम कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। हमको लगता है नहीं, अभी तो हमारे पास 30-40 साल हैं। हम में से कोई ये नहीं मानता है कि हम कभी भी जा सकते हैं। और सत्य ये है कि नहीं है? आपसे छोटे मरे कि नहीं मरे? आपसे बड़े मरे तो हम नहीं मरेंगे, लेकिन हमारा इस पर कोई चिंतन है ही नहीं। बल्कि हम क्या बोलते हैं, अरे क्या शुभ शुभ बातें कर रहे हो, मरने मराने खाने पीने की बात करो, है ना, कौन सी बात अच्छी लगती है? लेकिन सत्य क्या है, कभी भी शरीर छोड़ेंगे, लेकिन इस सत्य पे हमारा मन स्थिर है नहीं? तो यही माया है। मा मीन्स नहीं, या मीन्स यह, जो नहीं है उसे हम मान रहे हैं। आप लड़का हो, ये शरीर हो, लेकिन आप क्या मानते हो, शरीर है। खूब सुन लो, खूब हम समझा दें आपको हजारों उदाहरण दे करके, और आप भी हजारों उदाहरण दे करके समझ लो, लेकिन मानते हम अपने को क्या है, क्या आत्मा मानते हैं, क्या सोचते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, इस पे हमारा ध्यान होता है? यही हमें बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ, केवल इस मनुष्य शरीर में ये बातें समझ पाओगे, और किसी शरीर में समझ भी नहीं पाओगे। और सोचो जब ये शरीर छूट जाएगा तब क्या मिलेगा। कभी भी भाई मैं कह रहा हूं, आप आईएएस की तैयारी करो खूब, आप बहुत बिजनेस की तैयारी करो, बहुत बड़ी नौकरी की तैयारी करो, बहुत अच्छा है, करो, कोई बुराई नहीं है, करनी चाहिए। और कर लिया, सिलेक्शन हो गया, भोगने के लिए जिंदा रहेंगे, ये गारंटी है। लेकिन ये गारंटी है कि जो तुमने किया है उसका भोग हमें भोगना पड़ेगा। तो तैयारी किसकी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो भोग हमें भोगना है उसकी, या जो भोगों का लालच कर रहे हैं उसकी? इतनी सी बात है, और हम इतनी सी बात समझ नहीं पा रहे हैं। खूब सुनते हैं लेकिन जब सबको देखते हैं तो क्या लगता है, अरे अरे यही तो जरूरी, ये जरूरी है। देखो भाई, चारों तरफ भैया मौसी चाचा ताऊ पड़ोस सब जगह सब लोग लगे पड़े हैं, और हम हैं कि हम पीछे हुए जा रहे हैं। कई बार भक्तों के मन में आता है, क्या वो देखो कहां से कहां पहुंच गया और हमें मृदंग बजाने में लगे हैं। कोई सोचता है कि अरे हम करताली कर, अरे हम कीर्तनी करने में लगे, वो देखो हमारे साथ का कहां से कहां पहुंच गया, लगता है कई बार। लेकिन किसे लगेगा ऐसा, किसको लगेगा? जो समझता ही नहीं है कि वास्तविकता क्या है, जो हम देख रहे हैं क्या वो सही है, क्या लगता है, जो हमें दिख रहा है वो ठीक है, क्या वो सत्य है? इतनी सी बात समझनी है बस, ज्यादा कुछ नहीं है। तो सत्य ये है कि हम कभी भी संसार छोड़ करके जा सकते हैं। अच्छा, जब जाओगे तब आपके माता पिताजी आपके साथ जाएंगे? क्यों, इतना प्यार करते हैं, नहीं जाना चाहिए? अभी रात में जाओ तो उन्हें चिंता होती है कि नहीं होती है कि बेटा कहां जा रहे हो, कैसे नहीं, चलो हम साथ चलते हैं, होती है कि नहीं होती है? तो ये नकली चिंता है कि असली चिंता है? असली चिंता है, नकली चिंता है। असली चिंता तो तब माने कि हम मरें और उसके बाद भी क्या कहे माँ बाप कि नहीं अब मेरा बेटा अकेला जा रहा होगा, कहाँ उसके साथ क्या होगा, कैसे पावर पावरफुल लोग मिलेंगे उसका क्या, चलो हम भी अपने बेटे के साथ चलते हैं। कोई चलता है क्या? कोई पत्नी अपने पति के साथ मरती है? कोई पति पत्नी के साथ मरता है? कोई मित्र मित्र के साथ मरता है? तो हमें कैसे मरना है और जाना कैसे है? अकेले। तो तैयारी किसकी होनी चाहिए? अकेले की। बस हमें मरना है तो तैयारी भी
हमें करनी है। आर्ट ऑफ लिविंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट ऑफ, हाँ क्यों, क्योंकि जैसे मरना आ गया उसे जीना आ गया। बड़ा ध्यान से समझना बात, जिसको मरना आ गया उसे जीना आ गया। हम लोग मरना नहीं सीखना चाहते, और अगर मरना सीख जाएं तो निश्चित रूप से जीना आ जाए। तो मनुष्य जीवन मिला है हम लोगों को किस लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए। और आठवें श्लोक में आज चर्चा क्या बोलते हैं, जिसके मन तथा इंद्रियां वश में नहीं है। किसकी बात चल रही है ये, असुर सहपाठियों को समझा रहे हैं ना। तो प्रहलाद महाराज कौन है, भगवान के भक्त हैं, और उनके जो मित्र हैं वो क्या हैं, असुर हैं। तो हम लोग क्या हैं, भक्त हैं कि असुर हैं, भक्त नहीं हो, कोई आप में से अपने को भक्त नहीं मानता है। ईमानदारी साथ खड़ा कराओ, कितने लोग हृदय से मानते हैं कि वो असुर है। ठीक है, असुर का मतलब क्या होता है, असुर का मतलब है जो व्यक्ति भ्रमित है, जिसको पता ही नहीं है क्या करना है और क्या नहीं करना, उसे पता ही नहीं है। तो बोलते हैं जिसकी मन तथा जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वह अतृप्त कामेक्षाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिकाधिक आसक्त होता है। उसको क्या लगता है, ये परिवार मेरा है, ये भाई मेरा है, ये बहन मेरी है, ये माँ बाप मेरे हैं, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, और तो और ये कुत्ता मेरा है। कहाँ तक मोह की बात की जाए, हाँ लोग बड़े आसक्त होते हैं। आपने देखा है ऐसे लोगों को, कहाँ देखा, अपने आप को नहीं देखा, यही तो गलती करते हैं हम लोग, आसपास देखते हैं खूब, बस अपने को नहीं देखते। बोलना चाहिए अपने को देखा तब समझ में आता, हाँ अभी तुम सही सुन रहे हो। हम लोग आसपास देखते, बोले देखो ये सब असुर हैं और हम प्रहलाद हैं, है ना। अगर आप ईमानदारी से मानते कि आप असुर हो तो आप क्या बोलते, अपने आप को, फिर आप आसपास नहीं बोलते। यही प्रॉब्लम है हमारी। तो पारिवारिक जीवन में अधिकाधिक आसक्त होता है ऐसे पागल मनुष्य, ऐसे लोगों को क्या कहा गया, पागल, जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ गंवा देते हैं। किसमें, काम काम की चीजों में, क्योंकि इन वर्षों में भी अपने को भक्ति में नहीं लगा पाते, भगवान की सेवा में नहीं लगा पाते। भक्ति का मतलब क्या होता है, भगवान की सेवा, और सेवा का मतलब क्या होता है, कौन सी भक्ति, कौन किसको भक्ति कहेंगे, सेवा को भक्ति बोलते हैं, कौन सी सेवा, आपके मन के अनुसार सेवा या जिसकी भक्ति कर रहे हो उसके मन के अनुसार उसकी सेवा। हाँ, और हम लोग कैसे भक्ति करते हैं, तो सोचो जो हम कर रहे हैं उसमें भी हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, और गलत फहमी की शिकार ये है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो भी हम किसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। आप में से ईमानदारी बताओ, भगवान राम की प्रसन्नता के लिए कितने लोग यहां आए हैं, कोई नहीं आया, ईमानदारी की बात। हम यहां किस लिए आए हैं, अपनी प्रसन्न, कैंप पे मजा आएगा, चलेंगे नाचेंगे खाएंगे घूमेंगे कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि कम से कम आप एक स्टेप ऊपर बढ़े हो। अब आप मजा बियर बार में नहीं ले रहे हो, अब मजा फिल्मों में नहीं ले रहे हो, अब मजा भगवान की भक्ति में लेने की कोशिश कर रहे हो, एक स्टेप बढ़े हो, लेकिन और बढ़ना है, अपनी खुशी के लिए नहीं,
भगवान और गुरु की खुशी के लिए कार्य, तब भक्ति होगी शुरुआत, तब भक्ति की शुरुआत होती है। असली भक्ति का मतलब क्या है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले कार्य, गुरु को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले कार्य, वो क्या कहलाती है? भक्ति। और वो आपको अंदर से आनंद देगी। और कुछ भक्त कर रहे हैं।